हमारे लिए कितनी बड़ी बात है, एक बाइक लाना मेरी फील हो रहा है, मुझे बाइक की डिलीवरी लेंगे, कितना खुश हो रहे हो। इतनी भी जल्दी क्या है व्लॉग देखने वाले, सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो एंड नीचे एक एक प्यारा सा कमेंट कर दो। के 2 बजे भी नींद नहीं आ रही है भाई साहब, जल्दी से जल्दी सुबह। सो हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और सब अच्छे से होंगे। एंड आज आप इतनी जल्दी व्लॉग पे आए होंगे बिकॉज टाइटल और थंबनेल देखे। जी हाँ बिल्कुल, मेरे को भी बहुत ही बेसब्री से इंतजार था अपनी बाइक का। ऑलमोस्ट 1-1.5 महीने से हमने बाइक बुक कर रखी थी एंड KTM वालों ने इतना ज्यादा टाइम लगाया इस बाइक में, मैं आपको क्या ही बोलूं। एंड फाइनली आज वो दिन है कि जब KTM वालों की तरफ से फोन आया एंड बोला उन लोगों ने कि आपकी बाइक आज रेडी हो गई है, आप आके शोरूम आ जाओ एंड ले जाओ। एंड आज मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड हो रखा हूँ, मैं आपको क्या ही बोलूं। एंड जो भी आप में से चैनल पे जुड़ रहे हैं वो भी अभी सब्सक्राइब कर दो। एंड दिल में खतरनाक दुख 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 हो रहा है एंड रात भर मैं बिल्कुल ही नहीं सो पाया हूं, 2-3 बजे तक मैं जागा था। वो कोई एक भी वीडियो नहीं होगा यूट्यूब पे जो मैंने नहीं छाटा होगा। एंड हम एक मिडिल क्लास फैमिली से ब्लॉग करते हैं, आपको पता ही है कि हमारे लिए कितनी बड़ी बात है, एक बाइक लाना मेरी जिंदगी की पहली बाइक है, मतलब मेरी क्या हमारी फैमिली की पहली बाइक है। एंड मैं लफ्जों में बता ही नहीं सकता, आज डिलीवरी वगैरह लेने वाला है एंड यहाँ पे देख सकते हैं हमारे सुख दो जुट चुके हैं। बाबा आप ठीक हो? अच्छे से। अभी हम क्या करने वाले हैं आज जिंदगी का मेरा जिंदगी का सबसे बेस्ट दिन ये वाला होगा। एंड आज हम बाइक की डिलीवरी वगैरह लेंगे यार, बहुत इमोशनल वगैरह भी मैं हो रखा था बिकॉज यार कभी सोचा नहीं था जिंदगी में कि बाइक वगैरह लाएंगे, बट आज वो दिन है जब हम अपनी बाइक ला रहे हैं एंड दिल में खतरनाक ऐसे ऐसे हो रहा है, पता नहीं क्या होगा। एंड शोरूम वाले ने लगभग 1 घंटे पहले ही कॉल किया तो अब कपड़े वगैरह लगा रहे थे बिकॉज सच दच के जाना है, हमारी पहली बाइक है तो निकले हम। पापा यार आप लोगों को कुछ बोलना चाहोगे? यार वो एक शेर है ना कि अगर आप किसी चीज से अगर आप किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने के लिए कोशिश में लग जाती है, तो वो बात बहुत ही सच है। एंड सपने देखो, सपने बहुत बड़े देखो, सपने एक दिन सच होते हैं। फिलहाल जल्द जल्दी काम करते हैं, घर से निकलते हैं। आपका भी नंबर तोड़ रहा है, शायरी बोल रहा है। यार आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। आज क्या भाई, तोते जैसे बोलता है आज का मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई। अभी फिलहाल करते हैं काम, फिलहाल अभी केक वगैरह भी लाना है एंड वैसे सारे दोस्त भी आएंगे एंड चलते हैं KTM के शोरूम एंड उठाते हैं अपनी बाइक, लेट्स गो। कहते हैं जो पन्ने होते नहीं पूरे करते बहुत कुछ बयां। तो फिलहाल फाइनली यहाँ पे पहुंच चुके हैं केक लेने के लिए, तो फिलहाल अभी यहाँ से हम केक वगैरह ले लेते हैं आज। ओ भाई साहब आत्मा लाख हो गया ना, हमको 1-2 बंदों ने ज्वाइन किया तो आप कितना ज्यादा एक्साइटेड हो भाई। हाँ अच्छा मुझे आप बोलो, उनको चाय वगैरह देनी होती है? अस्तागिरला मुझे लूट लिया, चाय सॉस, चलो देखेंगे यार। साइकिल से जितने हाथ रहती मैं इतना ज्यादा खुश हो रखा हूँ, मेरे दिल में खतरनाक धड़कन तेज हो रखी है। मैं बोल रहा हूँ मैं कब पहुंच गया बाइक की डिलीवरी वगैरह लूंगा, एट द सेम टाइम मैं बहुत ज्यादा नर्वस भी फील कर रहा हूँ अभी। एंड अभी पापा आपको कैसा लग रहा है? भाई अभी जल्द से जल्दी फटाफट फटाफट पहुंचते हैं एंड बाइक की डिलीवरी। अब तेरे बिना यहाँ मेरी सांसें जैसे बिना निंदिया। सुन भाई आप कैसे हो भाई, आप कितना एक्साइटेड हो? लेकिन आपकी एक्साइटमेंट दिख नहीं रही है, आवाज से ही पता चल रहा है। चलो चले अंदर, पकड़ो आपके लिए केक लाए हम स्पेशल। चले बाबा अंदर, इमरान चलो गाइस। फिलहाल अभी हम लोग चलते हैं अंदर। ओ भाई साहब यहाँ पे देखो, चेक करो कितना ज्यादा स्टॉक आया है भाई साहब, हमारे टाइम पे तो कुछ भी नहीं आया था, आज देखो कितना ज्यादा स्टॉक आया है भाई साहब। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ एंड दिल में बहुत ज्यादा दुख दुख हो रहा है। एंड फैसल भाई काफी टाइम के बाद हमारे साथ आ जाए, क्यों भाई कैसा लग रहा है? बहुत ही ज्यादा यार, आपको कैसा लग रहा है? आज इतनी बड़ी बात है मैं बाइक ला रहा हूँ लेकिन दिख नहीं रहा है, आपको कैसा फील हो रहा है? हम अभी बाइक की डिलीवरी लेंगे, कितना खुश हो रहे हो आप? चलो फैसल भाई से पूछो, फैसल भाई पूछो कितना खुश है।
स्पेशल भाई। ओह भाई जैसे कि आज आपको पता है कि आज हमारी बाइक की डिलीवरी थी, बहुत ज्यादा टाइम वेट करना पड़ा इस बाइक के लिए एंड काफी ज्यादा एक्साइटेड था मैं इन दिनों, ऑलमोस्ट एक मंथ से मैं वेट कर रहा था इस बाइक का एंड आज फाइनली आज हम अपनी बाइक रिवील करने वाले हैं। तो रेडी हो सर? तो काउंट डाउन स्टार्ट करते हैं। पहले ये हमारी बाइक, ओके तो 5 4 3 2 1। फिलहाल अभी केक काटने का टाइम, सो काटे भाई केक। यहाँ पे आप लोग ने देखी क्या कौन सी बाइक है, क्या बाइक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस चीज के लिए मैंने काफी ज़्यादा वेट किया क्योंकि ये एलईडी वाली लाइट है। तो ये देखो हमारी बाइक, तो आज फाइनली रिवील होगी बहुत टाइम के बाद एंड बहुत ज्यादा वेट करना, बहुत ज्यादा वेट करना पड़ा इस चीज के लिए। तो फिलहाल अभी काम करते हैं, फिलहाल अभी यहाँ से निकालते हैं एंड बाइक वगैरह चलाते हैं, देखते हैं क्या कुछ सीन रहता है। एंड मैं बहुत ज्यादा अंदर से इमोशनल हो रखा हूँ बिकॉज हमारी पहली बाइक है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। चलो गाइस यहाँ पे हमारी बाइक नीचे उतर रही है अब। सो फिलहाल गाइस अभी हम चढ़ने वाले हैं मोटो व्लॉगिंग के सेटअप पे, हम आ चुके हैं। खस पापा खस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरे अल्लाह बुरी नजर से बचाना भाई साहब, ऐसा फील आ रहा है भाई साहब, मेरी आंखों में आंसू आ रहा है कसम से यार। जिंदगी की मैं पहली बाइक चला रहा हूँ, मेरे पापा मेरे पीछे बैठे हैं एंड इट फील्स सो, मतलब यार सो गुड यार, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को भाई साहब। इसको ना मूड इसका चिट्टर नहीं एंड भाई साहब यार मैं आपको क्या ही बताऊँ, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है कसम से। अरे जिंदगी में कभी कुछ सोचा भी नहीं था बाइक आएंगे एंड ऐसी कुछ राइड होगी हमारी। एंड फिलहाल गाइस अभी हम चल रहे हैं घर के साइड एंड पार्टी वगैरह का सीन शाम को, इतनी ज्यादा खुशी मिल रही है मैं आपको मतलब मैं बयान ही नहीं कर सकता यार। जब मैंने रिवील की तब मेरे आंखों में आंसू भी आ रहा था भाई साहब यार, क्या ही बताऊं आप लोगों को क्या फील है ब्रो, अमेजिंग मेरे भाई। और जबकि हम एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो हमारे लिए मतलब यार आप सब खुद ही समझो। सो गाइस हम यहां से निकल रहे हैं अभी पहली राइड के लिए, घर तक हम राइड करेंगे। लूट लूट पाके हो यार, वैसे कोचान चलो हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है आज, पहली बार स्वयं चला रहा है पहली राइड, और एक ये छिड़कू पीछे है। चलो ओके आराम से हाँ, जैसी जम पर हो यार ठीक भाई। हाँ जी अभी ली अभी। शुक्रिया 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 सर, थैंक यू। एक्साइटमेंट के मारे हमारे कागजात भूल गए और फैसल भाई गया लाने के लिए, पापा चढ़ो आप हम जाएंगे। ओ भाई यार कितनी खुशी हो रही है, नाचने का मन, बोलो बल्ले 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 बल्ले, चलो 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 पापा चलो पापा बल्ले बल्ले डिस्को करो पापा। ठीक भाई असल भाई शुक्र भाई साहब सब्सक्राइबर मिल रहा है। ओ भाई क्या फील है माँ का साहब, इतना ज्यादा ट्रैफिक हो रखा है भाई साहब, पुल कराएंगे नहीं, खुल ही नहीं रहा है वो, ये कैसे खुलता है ड्राइवर को पता ही नहीं। सर जी फ्यूल फुल फुल पहला
सो चलो देखते हैं कितने में फ्यूल वगैरह फिल होता है पूरा। चलो भाई साहब गोगोस भाई। गाइज ऑलमोस्ट लगभग 1100 का पेट्रोल हो गया हमारा फुल। जब गाइज मैं लोगों को देखता था ये बाइक चला के, तब मेरे दिल में भी हुआ करता था काश मैं कभी ये देखूं। एंड खुदा की कसम ये सच बात है, मैं बहुत टाइम शोरूम मतलब मैं ऐसे ही चल रहा था बाहर से, मैं बाइक की तरफ देख रहा था एंड मैंने मम्मा को मैं बोल रहा था मम्मी एक दिन मैं जरूर ये बाइक लूंगा। एंड तब मैं बोल रहा था मम्मा मैं ये बाइक लूंगा, मैं बाहर से शोरूम के बाहर से देख रहा होता था। यार आज फाइनली मेरा सपना पूरा हो गया, मैं इस बाइक की अहमियत जानता हूँ यार, कितनी अहमियत है मेरे लिए इस बाइक की, कसम से यार इसको हम संभाल के रखेंगे एंड इंशाल्लाह आगे इसकी मॉडिफिकेशन वगैरह भी करेंगे। बस आप लोग सजेस्ट करना एंड इस बाइक का नाम आप लोग सजेस्ट करना यार, एंड नीचे कमेंट एक एक जरूरी करना, बिकॉज यार आप लोग जब कमेंट करते हैं तो मेरा दिन बन जाता है। एंड सब्सक्राइब कर देना गाइस यार, लगभग आज के ब्लॉग में मैं टारगेट करता हूँ 2000 कमेंट्स, तो आज कर देना प्लीज क्योंकि आज खुशी का मौका है। सो यार मतलब मैं अंडरस्टैंड बोल रहा हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा है खुशी के बारे में, भाई यार इतना खुश मैं कसम यार भाई मेरे को रोने आ रहा है यार, क्या बताऊँ आप सबको यार। सो गाइस पापा घर चला गए, इन लोगों ने बोला पार्टी करते हैं एंड घर वालों के साथ फिर अलग पार्टी, क्योंकि दोस्त के साथ अनकंफर्टेबल होता है तो घर वाले अलग ही अलग। फिलहाल चढ़ते हैं ऊपर एंड इनको कुछ खिलाते हैं। ये बेचारे सारे भूख मंगे हैं यहाँ से, ये भूख मंगे हैं बेचारे सारे भूख मंगे। सो चलो गाइस हमारा ऑर्डर आ चुका है यार, यार लाइन में वही क्यों यार फुल थे ना वन को भाई, ये फुल नहीं है यार जी, फुल बिरयानी। चलो गाइस इन भूख मंगों को हम यहाँ पे पार्टी देते हुए चलो चलो कोई बात नहीं, खाओ खाओ गाइस। फिलहाल अभी निकलते हैं हम लोग, चलो चलो भाई कितने खुश हैं हम भाई यार, वार 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 वार। चलो फिलहाल अभी हम यहाँ से निकलते हैं। चलो गाइस फिलहाल ट्रीट वगैरह हमारी हो चुकी है, तो फिलहाल अभी हम यहाँ से अब निकलते हैं एंड सारे दोस्तों को यहाँ से अलविदा करते हैं। ये रही हमारी कुछ प्यारी प्यारी बाइक फैसल भाई, इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे आपसे जबरदस्त ट्रिप पे। एंड ये रहा ये भाई इब्रान ब्रो कौन कसक ये इनाम दे। ये रहा रियान, ये भी निकलेगा। चलो ये देखो हमारी प्यारी प्यारी बाइक भाई साहब क्या लग रही है, ओ भाई। तो घर वगैरह आ चुके हैं पापा, इधर इधर सोने को जगह नहीं है, इसको कहाँ रखेगा। ये देखो छोटा खोली है माशाल्लाह, मेरी प्यारी प्यारी बाइक खोली में आते हैं माशाल्लाह, क्या बात है सर। मैं चूमूंगा मैं इसको माँ के साथ यार, इसको क्या हो गया। चलो इधर रहने के लिए जगह, इधर हमारा इतना खोली में रहते हैं यार बाइक ले यार गो कवा हो गया। वो का साइकिल हमने शिफ्ट कर दिया यहाँ पे, आपसे बाइक हमारी यहाँ पे है। मम्मी कैसी लगी आपको बाइक? मम्मी क्या कहेगी, मम्मी तो बीमार है, मम्मी बेचारी बीमार है यार। सो गाइस फाइनली घर वगैरह भी आ गया था एंड बाइक वगैरह भी हमने आज परचेज की। एंड अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, 2021 में मैंने स्टार्ट किया था अपना यूट्यूब एंड कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं था कि बाइक वगैरह लाएंगे यार। मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो रखा हूँ अंदर से कि मतलब हमने बाइक भी लाई यार, मतलब मैं आपको क्या ही बोलूं यार, मतलब मेरे पास अल्फाज ही नहीं है बोलने के लिए। एंड बहुत कुछ सहा है यूट्यूब के मतलब इस वाले फील्ड में मैंने बहुत कुछ सहा है, तो बाइक वगैरह भी आज घर लाई यार। बाबा आपको कैसा लग रहा है यार, कैसा लग रहा है मतलब मैं मतलब इमोशनल हो रखा हूँ अंदर से, मतलब इमोशनल होने की जरूरत नहीं है मतलब यार जब हम जहाज लाएंगे तब इमोशनल हो जाना है। औकात की बाहर वाली बाइक है कसम से, ये कौन सी बात है, अभी बहुत कुछ आएगा माल इंशाल्लाह। एंड आगे हम दुआएं भी कर रहे हैं कि बहुत सारी चीजें आए एंड बहुत ही अच्छा लग रहा है बाइक खरीद के, मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छा एंड बहुत सारे लोग भी मिले
एंड लोगों ने भी बहुत ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन वगैरह किया, तो थैंक यू सो मच इतने प्यार के लिए। मैं आपको मतलब यार बता ही नहीं सकता हूँ, थैंक यू सो मच इतने प्यार देने के लिए। एंड यार फाइनली हो गई, एंड आप बोल सकते हो कि मतलब बाइक में क्या मॉडिफिकेशन वगैरह करें, क्योंकि मेरे को तो खास नॉलेज नहीं है, मतलब थोड़ी बहुत है। एक्स-रे किट वगैरह लगाएंगे बाद में, मतलब एक महीने के बाद वगैरह देखेंगे, बिकॉज मेरे एग्जाम्स भी आने वाला है। बट यार जो खुशी की लेवल है ना अंदर से, मैं आपको वो बयान ही नहीं कर सकता हूँ, बिल्कुल ही मैं बयान ही नहीं कर सकता हूँ। अब अगर मैं ज्यादा देर कैमरा पे रहा तो मेरे आंसू खुद ब खुद निकल आएंगे, तो इसीलिए बेहतर है कि आज के व्लॉग को एंड करते हैं। बाकी पापा वगैरह की ट्रीट पूरी फैमिली को ले जाएंगे, कल कहीं पे ट्रीट वगैरह देंगे, बिकॉज दोस्तों वगैरह को ट्रीट सबको दी, अब घर वाले रहते तो इनको भी देंगे। एंड आगे मॉडिफिकेशन वगैरह भी आप बताना, एंड कमेंट्स में आप जरूर से बहुत ज्यादा प्यार देना, एंड ऐसी हमारी वीडियोज देखते रहो। जैसे आज वीडियो देखोगे तो आज सारे लोग वीडियो देखें, तो ऐसी रोज भी देखा करो, इससे मतलब हमारा दिन बन जाता है। तो थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, एंड बहुत अच्छा लग रहा है यार, बहुत ही ऐसे चलाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वाले व्लॉग में, सो बाय बाय गाइस। चलो यार मैं 5-5 मिनट के बाद बाइक को नजर देने आ रहा हूँ, कुछ मत हुआ होगा। आई लव यू माई बाइक।